यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इनर साइड ऑफ जो स्क्रीन है, ठीक है, ये जो होता है ये कोटेड रहता है विद द हेल्प विद द मटेरियल कॉल्ड फॉस्फर मटेरियल विच गिव्स द ऑफ लाइट व्हेन इट इज स्ट्रोक बाय द इलेक्ट्रॉन। तो जब ये फॉस्फर मटेरियल पे आपकी इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्ट्रोक होती है, तो ठीक है, वो क्या करता है, वो जनरेट करेगा, लाइट जनरेट करेगा, और बाय दैट जनरेशन ऑफ लाइट यू विल सी द ब्राइट स्पॉट ऑन दैट स्क्रीन। ठीक है, द कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज डिटरमाइन द वेलोसिटी अचीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिफोर दे हिट द फॉस्फर। तो यहाँ पे कंट्रोल ग्रिड सर्किट रहता है, वो क्या करता है, वो आपकी वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने का, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वी आर यूजिंग द कंट्रोल ग्रिड हियर। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। हियर यू कैन सी द कनेक्टर पिंस, अ बेस थ्रू विच वी आर कनेक्टिंग इट, फोकसिंग सिस्टम, दीज आर द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ये जो आपको दिख रहे हैं दो प्लेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है। दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉन गन, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो मूव करते हैं। जब ये कनेक्टर पिंस के थ्रू हम लोग ये किसको कनेक्ट करेंगे, आपके वोल्टेज, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे। वोल्टेज जैसे अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन गन जो है वो हिट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन हिट होगा, तो वहां से जो है इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो मूव होंगी। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन बीम जो मूव हो रही है, इसे हमें क्या करना है, इसे एक सेम डायरेक्शन में जो है हमें इसे मूव कराना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट इज फ्लो जो है वो उसका वो इधर उधर हो जाए, या जैसे यहाँ से आप दिख रहे हो कि ये जो बीम है इस तरह से ये मूव हो रही है, यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही है, ठीक है। सो ये जो बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम, इसको फोकस करके रखना, ठीक है। इसको फोकस मींस व्हाट, वो स्ट्रेट एक डायरेक्शन में ही जाए, उसके लिए हम लोग फोकसिंग सिस्टम का यूज करते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है, ठीक है, और जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है, ये क्या करेंगे, ये भी इसके फ्लो को हम लोग सॉरी मेंटेन करने के लिए हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। अभी ये जो स्क्रीन आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, सो ये जो स्क्रीन रहता है, ठीक है, जो सीआरटी, जो पहले जो पुराने मॉनिटर्स रहते थे आपके यहाँ पे, टीवी रहते थे, ठीक है, बड़े बड़े, ठीक है, तो वो जो थे इस तरह से ट्यूब के फॉर्म में, इस तरह से आपके टीवी रहते थे, ऐसा ही ट्यूब वहां पे रहता था। किसी ने अगर टीवी को ओपन करके देखा होगा या मॉनिटर को ओपन करके देखा होगा, सेम स्ट्रक्चर रहता है ऐसा। तो ये स्क्रीन जो है यहाँ पे, ये जो है फॉस्फर कोटेड स्क्रीन रहता है, ठीक है। तो जो बीम जब मूव होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फॉस्फर कोटेड स्क्रीन को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और वहां से फिर क्या होगा, वो लाइट जनरेट होगा, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने वोल्टेज को अप्लाई किया है, ठीक है, वहां पे जो आपका स्पॉट है वो ब्राइट होगा। दैट मींस व्हाट, ब्राइट होगा मींस व्हाट, इट विल बी सेट टू द पर्टिकुलर इंटेंसिटी वैल्यू, पिक्चर इंटेंसिटी वैल्यू, सो वो जो पिक्सल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अभी एक एक जो इमेज या जो भी पिक्चर रहता है, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल्स, ठीक है। सो जो जो पिक्सल्स हमने वहां पे जो आपका सिस्टम दिया हुआ है, जो आपको यहाँ से वोल्टेज आएगा जिस पिन के लिए, या जो भी हम लोग रैंडम स्कैन डिस्प्ले और रास्टर स्कैन में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग पिक्चर को प्रोसेस करते हैं, तो जो प्रोसेसिंग के लिए जो डेटा आएगा वो इस तरह से जो है आपके सीआरटी स्क्रीन पे प्रोसेस होगा। सो यहाँ पे कंट्रोल ग्रिड क्या करता है, वोल्टेज डिटरमाइन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली इन द सॉरी इलेक्ट्रॉन बीम। दस कंट्रोल ग्रिड क्या करता है, यहाँ पे कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ स्पॉट वेयर द इलेक्ट्रॉन बीम इज स्ट्राइक ऑन द स्क्रीन। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन बीम हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, तो कंट्रोल ग्रिड सर्किट यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, उसका वर्क क्या रहता है कि ये जो बीम है ये किस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑफ स्क्रीन के इसे स्ट्राइक करना है, तो ये करने का वर्क किसका रहता है, कंट्रोल ग्रिड का। मींस व्हाट, कौन से पिक्सेल को मुझे जो है वो ब्राइट करना है, या कौन से पिक्सेल की इंटेंसिटी को मुझे सेट करना है, वो वर्क किसका रहेगा, कंट्रोल ग्रिड सर्किट का। तो वही हमने यहाँ पे बोला है, कंट्रोल ग्रिड कंट्रोल द इंटेंसिटी स्पॉट वेयर द इलेक्ट्रॉन बीम इज स्ट्राइक ऑन द स्क्रीन। नाउ द फोकसिंग सिस्टम, जो हमने वहां पे फोकसिंग सिस्टम बोला है, वो क्या कर रहा है, वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन बीम, सो दैट बीम कन्वर्जेस टू स्मॉल पॉइंट व्हेन इट हिट द फॉस्फर कोटिंग स्क्रीन। तो फोकसिंग सिस्टम क्या कर रहा है, जैसे मैंने वो बोला आपको कि जो बीम मूव हो रही है
उसको वो जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। सो एक पर्टिकुलर स्मॉल पॉइंट पे स्क्रीन, पर्टिकुलर स्क्रीन का जो पर्टिकुलर पिक्सेल होगा वहीं पे जो है वो हिट करे फॉस्फर कोटिंग स्क्रीन को। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फोकसिंग सिस्टम को यूज करते हैं। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, डिफ्लेक्शन सिस्टम हमने यूज किया। तो डिफ्लेक्शन सिस्टम का हमने क्या बोला है, द डिफ्लेक्शन सिस्टम ऑफ सीआरटी कंसिस्ट ऑफ टू पेयर ऑफ पैरेलल प्लेट्स रेफर्ड एज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। द वोल्टेज अप्लाइड टू द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम एंड वोल्टेज अप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट कंट्रोल द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है आपके इलेक्ट्रॉन बीम का उसको कंट्रोल करना हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कहाँ पे उसे मूव करना है। ठीक है, ये वर्क किसका रहेगा, आपका डिफ्लेक्शन प्लेट्स का। ठीक है, अभी ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मीनिंग ये है कि बस मैं क्या बोलना चाह रहा था कि जस्ट सो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे ये आपका स्क्रीन है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, और जब सीआरटी ये कंप्यूटर स्क्रीन में, ये हमने आपके डायग्राम देखा था, ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से हमने डायग्राम देखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो मूव होता है। तो जब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो स्क्रीन जो रहता है आपका कंप्यूटर स्क्रीन, ये कंप्यूटर स्क्रीन जो है या आपका जो भी स्क्रीन है, इट इज मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम्स। ठीक है, आप जब अभी आप बोलोगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है अभी मोबाइल में आपके इसमें सब आप इजीली आप सब कुछ हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो है बेसिक्स रहते हैं, दैट बेसिक्स वी नीड टू लर्न हियर। ठीक है, सो ये वन बाय वन पिक्सल, जब भी किसी भी चीज पे, अभी सॉफ्टवेयर सब रेडी है, ठीक है, आपको क्या करना है, बस इमेज को एडिट करना है ना, बहुत सिंपल हो गया अभी। लेकिन उसके पीछे जब आप ये सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हो तो उसके पीछे आपको बेसिक्स पता होना जरूरी है। ठीक है, सो जो आपकी स्क्रीन जो है इस तरह से रो एंड कॉलम्स में जो है वो रहती है, और ये जो कलर कहाँ से चेंज होता है, ये जो पर्टिकुलर एक सेल है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एक सेल है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेल को हम लोग बोलते हैं पिक्सेल। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेल को हम लोग बोलते हैं पिक्सेल। तो कंट्रोल ग्रिड क्या करेगा, ये जो बीम हमने बोला है, तो जब ये बीम जो है यहाँ से हमने वोल्टेज अप्लाइड किया, वोल्टेज अप्लाइड किया तो इलेक्ट्रॉन बीम मूव होगी। इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है आपकी स्कैन करती है आपके स्क्रीन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सॉरी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपकी इसको वो क्या करेंगी, स्कैन करेंगी। सो जब कंट्रोल ग्रिड जो सर्किट है, कंट्रोल ग्रिड क्या करेगा, आपकी जिस पर्टिकुलर
स्पॉट को ब्राइट करना है। तो ये जो बीम जो है इट विल, जैसे अगर ये पिक्सेल, अगर ये पिक्सेल है, ये पिक्सेल है, ये दो पिक्सेल्स, ये तीन पिक्सेल्स को मुझे एक्टिवेट करना है। दैट मीन्स मैं अगर बोलता हूँ कि एक सिंगल लाइन है, ठीक है, एक सिंगल लाइन है, तो इलेक्ट्रॉन बीम क्या होगी, ये जब स्वेप्ट होगी राइट टू लेफ्ट, अगर स्कैन करना शुरू करते हैं हम लोग, तो ये जहां जहां पे वो कंट्रोल ग्रिड से उसे मिल रहा है कि जहां पे वोल्टेज जो है, सपोज वोल्टेज 0 है तो उसे ब्राइट नहीं करना है, सपोज वोल्टेज +5 वोल्ट है तो उसे उसे ब्राइट करना है। तो फिर ये जो पिक्सेल्स, ये पिक्सेल्स के लिए क्या रहेगा, कंट्रोल ग्रिड में वोल्टेज की कुछ वैल्यू रहेगी, और ये जो अदर पिक्सेल्स है उसके लिए आपकी वोल्टेज की वैल्यू नहीं रहेगी। तो उस केस में जहां जहां पे हमने वोल्टेज को अप्लाई किया है, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन बीम मूव हो रही है और उस पर्टिकुलर स्पॉट को जो है वो ब्राइट कर रही है, बट जहां पे हमने अप्लाई नहीं किया वो स्पॉट जो है ब्राइट नहीं हो रहा है। सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दैट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थे डिफ्लेक्शन प्लेट में। सो बेसिक मीनिंग ये था वहां पे कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो सीआरटी में भी पहले जो अभी हम लोग इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सीआरटी में भी पहले, सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट सीआरटी रहते थे, उसके बाद में कलर सीआरटी आए। तो कलर सीआरटी में क्या होता है, अभी हमने एक ही गन देखा, हमने ये जो डायग्राम है आपकी, ठीक है, ये डायग्राम में हमने सिंगल गन देखा, यहाँ पे एक सिंगल गन, इलेक्ट्रॉन गन, तो ये सिर्फ दो ही कलर एक करेगा, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी स्क्रीन अगर ब्लैक में है तो वहां पे स्पॉट जो है व्हाइट से आएगा, ठीक है, अगर व्हाइट इसमें है आपका तो स्पॉट जो है वो ब्लैक से आएगा, ठीक है। तो दो ही कलर के लिए ये वर्क होता था। अभी फिर उसके बाद में कलर सीआरटी आया, तो कलर सीआरटी में जस्ट सेकंड, हम लोग कहाँ पे थे, ये वाले स्पॉट में ओपनिंग सिस्टम हमने किया था, रिफ्लेक्शन प्लेट। हाँ, सो देयर आर टू टेक्निक्स यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द इमेज ऑन अ सीआरटी स्क्रीन, रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन। तो ये दो टेक्निक्स हम लोग देखेंगे, अब ये सीआरटी हमने देखा, आगे हम लोग ये दो टेक्निक्स को देखेंगे, रैंडम स्कैन क्या होता है और रास्टर स्कैन क्या होता है। मैंने जो आपको बोला कि राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जो स्कैन होगा, ठीक है, सो ये जब हम लोग पिक्चर को डिस्प्ले करते हैं तो हम लोग ये दो टेक्निक्स में से कोई एक टेक्निक्स जो है यूज करते हैं। जनरली अभी हम लोग जो यूज होती है टेक्निक वो रहती है आपकी रास्टर स्कैन टेक्निक। सो नेक्स्ट है आपका कलर सीआरटी। अभी ब्लैक एंड व्हाइट सीआरटी में सिंगल गन है, सिंगल गन के थ्रू हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। कलर मॉनिटर क्या करेगा, ऑब्वियसली इट विल प्रोड्यूस द कलर पिक्चर बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फर दैट एमिट डिफरेंट कलर्ड लाइट, ठीक है। सो इट जनरेट अ रेंज ऑफ कलर बाय कंबाइनिंग द एमिटेड लाइट फ्रॉम अ डिफरेंट फॉस्फर। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉस्फर के कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे हम लोग बचपन में भी अगर कलर करते थे, ठीक है, तो हमें सिखाया जाता था, आपके पास वो कलर प्लेट रहती थी या वाटर कलर रहते थे, ठीक है, सो हम लोग कुछ कलर को मिक्स करके हम लोग न्यू कलर वहां पे बनता था, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ आरजीबी में मेक मीन्स सम अमाउंट ऑफ रेड, सम अमाउंट ऑफ येलो, सम अमाउंट ऑफ ब्लू, ठीक है। सो अभी इसका जो कॉम्बिनेशन हम लोग कम ज्यादा करते हैं उसके बेस पे, वो कॉम्बिनेशन के बेस पे जो है डिफरेंट कलर जो है फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में भी वही टेक्निक वहां पे रहता है, तो यहाँ पे भी हम लोग थ्री गन्स ही यूज करेंगे, जैसे आरजीबी, और ये तीनों के कॉम्बिनेशन से हो डिफरेंट कलर जो कॉम्बिनेशन है वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आपने फोटोशॉप देखा होगा, सॉफ्टवेयर आपने यूज किया होगा, या तो जब आप वहां पे कलर सेट करते हो या कलर किसी कोई पेंट ब्रश में या पेंट में भी आप जाते हो, ठीक है, तो वहां पे आप कलर लेते हो तो आपको बहुत सारा कलर पैलेट दिखता है। तो दीज कलर आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री कलर्स, ठीक है, आरजीबी। इसके अलावा आपका सीएमवाईटी भी रहता है, दैट इज साइन मैग्नेटा एंड येलो, ठीक है, तो वो भी रहता है, वो सीएमवाई सिस्टम अलग रहता है, आरजीबी सिस्टम अलग रहता है, तो कलर मॉडल्स में वो रहता है, ठीक है। सो कलर मॉनिटर में तीन कलर से हम लोग जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। देर आर टू बेसिक टेक्निक यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द कलर डिस्प्ले। तो जब हम लोग कलर डिस्प्ले को प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे दो तरह की टेक्निक्स यूज की जाती है, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो कौन सी वो टेक्निक्स है, सबसे पहली टेक्निक है बीम पेंट्रेशन टेक्निक, सेकंड वन इज इट्स अ बीम पेंट्रेशन, ना नॉट अ बीम, इट्स अ बीम पेंट्रेशन टेक्निक, एंड सेकंड वन इज शैडो मास्क टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पे दो टेक्निक्स को हम लोग यूज करेंगे फॉर जनरेशन ऑफ कलर पिक्चर। सो बीम पेंट्रेशन टेक्निक में क्या हम लोग करते हैं,
सो ये जो है ये रैंडम स्कैन टाइप ऑफ मॉनिटर, जो हमने अभी बोला कि सीआरटी में दो तरह की टेक्निक्स रहती है, रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन। तो बीम पेंट्रेशन टेक्निक जब हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे रैंडम स्कैन मॉनिटर जो टेक्निक यूज की जाती है, जिसमें वहां पे हम लोग बीम पेंट्रेशन टेक्निक का यूज करते हैं। ये टेक्निक हम लोग सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इन दिस टेक्निक इनसाइड द सीआरटी स्क्रीन इज कोटेड विद द टू लेयर ऑफ फॉस्फर यूजुअली रेड एंड ग्रीन। तो बीम पेंट्रेशन टेक्निक में, बीम पेंट्रेशन टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो लेयर से, यहाँ पे दो लेयर से फॉस्फर की हमने ब्लैक एंड व्हाइट में देखा था, उसमें क्या था कि एक सिंगल लेयर ऑफ फॉस्फर वहां पे था, स्क्रीन कोटेड जो था सिंगल लेयर ऑफ फॉस्फर मटेरियल से कोटेड था। बट इन केस ऑफ बीम, इन केस ऑफ कलर सीआरटी व्हेन वी आर यूजिंग बीम पेंट्रेशन टेक्निक देयर आर टू लेयर ऑफ फॉस्फर। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है जब आपका एमसीक्यू बेस्ड अगर एग्जाम होता है ऑनलाइन में, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें जो है ये कि यही इस डिफरेंशिएशन या समथिंग आपको मैच द पेयर ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको ध्यान में रखना ये पॉइंट। तो ये टेक्निक में क्या होता है, बीम पेंट्रेशन में इनसाइड सीआरटी स्क्रीन इज कोटेड विद द टू लेयर ऑफ फॉस्फर, बट इन केस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट सीआरटी इट इज ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ फॉस्फर। तो टू लेयर ऑफ फॉस्फर से यहाँ पे क्या है, रेड और ग्रीन। तो दो लेयर से यहाँ पे है रेड एंड ग्रीन, एंड द डिस्प्ले कलर डिपेंड ऑन हाउ फार द इलेक्ट्रॉन बीम पेंट्रेट इन टू द फॉस्फर लेयर, ठीक है। अभी ये दो लेयर से है, एक रेड और एक ग्रीन। अभी जो कलर हमें डिस्प्ले करना है, वेदर ग्रीन कलर डिस्प्ले करना है, वेदर रेड कलर डिस्प्ले करना है, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कितना जो है, कितना दूर तक वो जो है वो पेंट्रेट हो रहा है वो फॉस्फर लेयर से, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कलर को ब्राइट कर रहे हो, कौन सा कलर में आपको डिस्प्ले करना है। एंड आउटर लेयर इज ऑफ रेड फॉस्फर एंड इनर लेयर इज ऑफ ग्रीन फॉस्फर। तो जो आउटर लेयर ऑफ फॉस्फर रहता है वो रेड से रहता है और इनर लेयर जो रहता है आपका ग्रीन से। द बीम ऑफ स्लो इलेक्ट्रॉन एक्साइट ओनली द आउटर रेड लेयर, ठीक है। जो स्लो इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो आउटर रेड लेयर को एक्साइट करेंगे, और अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग फास्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग फास्ट मूव कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, फिर आपके रेड लेयर के थ्रू जाके आपके ग्रीन लेयर को एक्साइट करेंगे। तो कलर इज मोर ग्रीनर एज कंपेयर टू रेड उस केस में। एंड इंटरमीडिएट बीम स्पीड कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन लाइट आर एमिटेड एंड टू एडिशनल कलर ऑरेंज एंड येलो डिस्प्ले, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड रेड से हम लोग अभी इनकी स्पीड जो अगर इंटरमीडिएट रखते हैं हम लोग, अभी वो डिपेंड करता है, तो उसके बेस पे जो है वो ऑरेंज और येलो कलर भी वहां पे डिस्प्ले किए जाते हैं। तो ये वो आपका हो गया बीम पेंट्रेशन टेक्निक। तो बीम एक्सेलरेशन वोल्टेज कंट्रोल द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हेंस द स्क्रीन कलर एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन। तो ये फिर क्या करेगा, आपके स्क्रीन पे कोई भी पॉइंट पे जो कलर हमें करना है उसके बेस पे वो कलर करेगा, ठीक है। सो इसके डिस एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इट इज इनएक्सपेंसिव टेक्निक टू प्रोड्यूस द कलर इन रैंडम स्कैन मॉनिटर। ये इसमें ज्यादा आपको अमाउंट नहीं लगता है, मींस ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है इस केस में। इसके डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन डिस्प्ले ओनली फोर कलर। ये टेक्निक्स में हमने बोला कि दो कोटेड स्क्रीन है रेड एंड ग्रीन, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ दो चार ही कलर कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन से वो ऑरेंज एंड येलो ये दो ही बन रहे हैं। सो यहाँ पे ओनली फोर कलर डिस्प्ले होते थे बीम पेंट्रेशन टेक्निक में। द क्वालिटी ऑफ पिक्चर प्रोड्यूस बाय दिस टेक्निक इज नॉट गुड एज कम्पेयर टू अदर टेक्निक। जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर जो थी ये टेक्निक जब यूज करते थे तो वो इज नॉट गुड एज कम्पेयर टू अदर टेक्निक जो हम लोग आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट टेक्निक है आपकी शाडो मास्क टेक्निक। अभी यहाँ पे क्या होता है, मच वाइडर रेंज ऑफ कलर देन द बीम पेंट्रेशन टेक्निक। तो शाडो मास्क टेक्निक जो है वो ज्यादा कलर जनरेट करती है एज कम्पेयर टू बीम पेंट्रेशन टेक्निक। हेंस दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन रास्टर स्कैन डिस्प्ले इंक्लूडिंग द कलर टीवी, जो आपके कलर टीवीज रहते थे, ठीक है। सो वहां पे ये टेक्निक जो है वो शाडो मास्क टेक्निक को यूज किया जाता है, ठीक है। और ये कौन सा टाइप ऑफ डिस्प्ले यूज करता है, ये रास्टर स्कैन डिस्प्ले यूज करता है। ये जो कलर सीआरटी है ये कुछ तरह का डिस्प्ले यूज करता है, ये रास्टर स्कैन डिस्प्ले यूज करता है। तो ये हम लोग देखेंगे रैंडम स्कैन क्या होता है, रास्टर स्कैन नेक्स्ट लेक्चर में। सो इन शाडो मास्क टेक्निक सीआरटी हैज थ्री फॉस्फर कलर डॉट एट ईच पिक्सल पोजिशन।
यहाँ पे क्या होता है, सीआरटी में तीन फॉस्फर कलर डॉट्स रहते हैं, ठीक है। तो हर पिक्सेल जो है आपका, जैसे मैंने आपको अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, तो ईच पिक्सेल इज मेड अप ऑफ थ्री कलर डॉट्स, आरजीबी, ठीक है। तो हर पिक्सेल जो है वो तीन कलर का कॉम्बिनेशन रहेगा, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक वही हमने भाई को बोला है। वन फॉस्फर डॉट एमिट द रेड लाइट, अनादर एमिट द ग्रीन लाइट एंड अनादर एमिट द ब्लू लाइट, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन हुआ, इट्स अ ब्लू लाइट, आरजीबी, तीन कलर वो एमिट्स किया जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द डायग्राम ऑफ शाडो मास्क टेक्निक। यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे ये वाली जो सीआरटी हमने देखा था ब्लैक एंड व्हाइट में, वहां पे सिंगल गन था, यहाँ पे थ्री गन्स भी आ रही थी। एक मिनट का, तो यहाँ हम लोग थ्री गन्स यूज कर रहे हैं, एक है ब्लू गन, सेकंड वन इज ग्रीन गन एंड थर्ड वन इज रेड गन। सो जो भी कोई पिक्सेल, ये शैडो मास्क है, ठीक है। दिस इज द शैडो मास्क इज यूज्ड इन द टीआरटी, ठीक है। अभी जब ये गन्स जो है, ये जिस भी पिक्सेल को मुझे एक्टिवेट करना है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये थ्री लाइन्स आरजीबी, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री गन्स विल पेंट्रेट थ्रू दैट शैडो मास्क, ठीक है। ये शैडो मास्क के थ्रू जो है वो पेंट्रेट हो रहे हैं तीनों, और वो कॉम्बिनेशन ऑफ आरजीबी, ठीक है, इन तीनों का ट्राइपैड का कॉम्बिनेशन जो है, ये आपका जो स्क्रीन है इस पे वो पर्टिकुलर पिक्सेल को वो उसके कॉम्बिनेशन में, अभी वो डिपेंड करेगा कि उसको कितने फोर्स से हमने पेंट्रेट किया है, उसमें रेड कितना है, ग्रीन कितना है, ब्लू कितना वोल्टेज है, ठीक है। सो उसके ऊपर जो है वो आरजीबी के इस पे इंटेंसिटी वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी। तो फिर वो जो पिक्सेल है वो आपका पर्टिकुलर आपके स्क्रीन पे जो है वो ब्राइट होता है। इस तरह से शैडो मास्क सीआरटी जो टेक्निक है वो यूज होती है। सो वही हमने यहाँ पे जो अभी डायग्राम में हमने देखा, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि तीन इलेक्ट्रॉन गन्स है, वन फॉर कलर डॉट, ईच कलर डॉट के लिए थ्री गन्स यहाँ पे है जो हमने डायग्राम में देखा था। शैडो मास्क ग्रिड जस्ट बिहाइंड द फॉस्फर कोटेड स्क्रीन, तो फॉस्फर कोटेड स्क्रीन के पीछे ही जो है वो आपका शैडो मास्क जो हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा है, ये जो है शैडो मास्क स्क्रीन, ये यहाँ पे फॉस्फर कोटेड स्क्रीन के बिहाइंड में रहता है। शैडो मास्क ग्रिड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ होल्स अलाइंड विद द फॉस्फर डॉट पैटर्न, ठीक है। तो जो फॉस्फर डॉट पैटर्न है उसके साथ ही अलाइंड करके ये शैडो मास्क होल जो है वो अलाइन किए जाते हैं, ठीक है। थ्री इलेक्ट्रॉन गन्स आर डिफ्लेक्टेड एंड फोकस एज अ ग्रुप ऑन अ शैडो मास्क एंड व्हेन दे पास थ्रू द होल इन द शैडो मास्क दे एक्साइट अ डॉट ट्रायंगल, तो वो एक डॉट ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और वो एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट ट्रायंगल इज नथिंग बट द वन सिंगल पिक्सेल ऑन द कलर सीआरटी, शैडो मास्क टेक्निक। अ डॉट ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ थ्री स्मॉल फॉस्फर डॉट ऑफ रेड ग्रीन ब्लू कलर, वो हमने अभी बोला था। डॉट ट्रायंगल व्हेन एक्टिवेटेड अपीयर एज अ स्मॉल डॉट ऑन द स्क्रीन which has a color combination of three small dot on the screen which has a color combination of three by varying the intensity of three electron guns beams we can obtain a different color in the shadow mask here। तो जो मैंने अभी अभी तक मैं बोल रहा था, ठीक है, तो इनकी जो इंटेंसिटी जो है उसकी इंटेंसिटी को जैसे जैसे हम लोग वैरी करेंगे हर कलर की, हमें डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस या डिफरेंट कलर हमें प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द सीआरटी। यहाँ पे यहाँ में इसमें किसी को कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है? जस्ट एनी क्वेश्चन? If you don't have a question, we will stop for today. Our next topic we are going to see in our next lecture. Okay.
जस्ट अ सेकंड, वी विल टेक योर अटेंडेंस, आई विल टेक योर अटेंडेंस जस्ट अ सेकंड। मिस आंचल, प्रेजेंट मिस आना शेख, मिस अवंतिका गोने, दीपाली राउत, गायत्री, सोनालिका, प्रेजेंट सर, मिस ईशा पाटिल, ईशा पाटिल प्रेजेंट सर, ईशा पाटिल प्रेजेंट, ओके। ईशा पाटिल इज प्रेजेंट। इशिका कोते, जानवी थूल, कल्याणी प्रेजेंट डोले, सर, जानवी थूल ओके। इन कल्याणी डोले, कल्याणी निवारे, मयूरी बालापुरे, नेहा, निकिता, निशा, पायल, प्राची, प्रेजेंट पूनम, सर, हाँ साक्षी गुप्ता ओके, पूनम, पूर्वी, रेशमा, प्रेजेंट सर, रेशमा कौन, ओके। मिस रिया बावने, रुचि, साक्षी बुजाड़े, साक्षी बुजाड़े, बुजाड़े प्रेजेंट सर, साक्षी साक्षी ठाकरे, ठाकरे, यस मिस साक्षी ठाकरे, समीक्षा डेंगुरने, प्रेजेंट सर, मिस साक्षी काळे, श्वेता रियाल, सॉरी प्रेजेंट सर, श्रिया बोरकर, श्वेता तुमने, श्रिया बोरकर नो ना, मिस सोनाली गाड़ेकर, तनु गावंडे, प्रेजेंट सर, त्रिवेदी मिश्रा, सोनाली गाड़ेकर ओके, मिस्टर आदित्य क्षीरसागर, आदित्य अजिंक्य, प्रेजेंट सर, पेन कौन है बॉयज में, इस प्रेजेंट, राकेश, हाँ उद्देश्य, और कोई है सर, शुभम, शुभम से, शगुन प्रेजेंट सर, देश पिपरेवार इज प्रेजेंट, इन सुमित है क्या, नहीं ना, शुभम मिराशे, यस सर प्रेजेंट सर, हाँ और सुमित नहीं है ना, ठीक है, थैंक यू सर।